इस वक्त हम ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है और साथ ही साथ में लोगों को तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें हो रही हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही सब सारी चीज़ें साफ कर दी थी कि इतना अनुमान नहीं था कि इस तरह की स्थितियाँ होंगी जिस तरह की स्थितियाँ हो रही हैं, क्योंकि इतने बारिश का अनुमान नहीं था कि इतना बारिश हो सकती है। कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें देखने को सामने आईं। यहाँ पर जो है ISBT के सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी हमें मिल रही, यहाँ पर जो बसें यहाँ से संचालित होती हैं वो सिंघू बॉर्डर और आनंद विहार की तरफ से जो है उनको टर्मिनेट किया गया है। यूपी साइड जो और उत्तराखंड साइड जो बसें जाती हैं उनको आनंद विहार से, और साथ ही साथ में हिमाचल इधर जो है जम्मू कश्मीर और जगहों पर जो बसें जा रही हैं उनको सिंघू बॉर्डर की तरफ से भेजा जाएगा। इस तरह की प्लानिंग बनी है और यहाँ पर फिलहाल जो है अभी व्यवस्थाएँ पूरी तरह से रोकी गई हैं जिसके चलते कोई बड़ा जो है हादसा ना हो सके, इसके लिए लगातार जो है यहाँ पर यहाँ के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यहाँ के जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो सब सारी चीज़ें अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं बखूबी, और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से उस हिसाब से मैनेज की जा रही हैं जिससे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, ISBT दिल्ली।